स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों की ओर से उचित मानदेय को लेकर देशव्यापी आंदोलन की तैयारी की जा रही है। बता दें कि रसोइयों की ओर से 24 फरवरी से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए रसोइया संघ के पदाधिकारी यशोदा साहू ने बताया कि 5 से 6 घंटे तक लगातार काम करने के बाद भी रसोइयों को सिर्फ 2000 रुपये वेतन दिया जा रहा है। इतने कम मानदेय में रसोइयों का गुजारा होना मुश्किल है। एक तरफ जहां बीजेपी सरकार महतारी योजना में 1000 रुपये महिलाओं को घर बैठे दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर 5 से 6 घंटे काम करने के बाद भी रसोइयों को सिर्फ 2000 रुपये वेतन दिया जा रहा है, जो कि अनुचित है। आज यहां पे सभी बहनों को अंबिकापुर में 13 फरवरी मैं बुलाई थी बहनों को कि सभी कोई हम लोगों को दिल्ली जाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर जा रहे हैं दिल्ली। हम लोगों का 2014 में बढ़ा हुआ राशि आज तक नहीं मिला। हाई कोर्ट में 9000 रुपये हम लोग जीते केस, वो भी नहीं मिला। सामान्य काम का सामान्य वेतन मोदी जी खुद बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे और हम 10000 देंगे, वो 10 साल हो गया या आज तक मोदी जी नहीं दिए। इन सारी समस्याओं को लेके हम लोग दिल्ली रवाना होंगे। पूरे भारत में 40 लाख मध्याह्न भोजन कर्मी हैं जो सभी जगह से, सभी राज्य से दिल्ली जंतर मंतर 24 तारीख तक पहुंच जाएंगे। 24-25 तारीख को दिल्ली जाएंगे आप लोग? 6 घंटा काम करते हैं, 2000 रुपये मिलता है। बंधुआ मजदूरी में जीवन यापन करना पड़ रहा है। भारत देश आज़ाद हो हुआ 1947 से, लेकिन आज भी हमारा भारत देश में हम लोग गुलामी बंधुआ मजदूरी में काम कर रहे हैं। हमें काम का दाम चाहिए। अगर नहीं मिलता तो आगे क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो आगे हम आंदोलन करेंगे, खाना बंद करेंगे। सरकार या तो खाना बंद करे या तो काम का दाम दे। उग्र आंदोलन करेंगे, भी करेंगे। बहन लोग सब बोलते हैं हम लोग नहीं देंगे वोट, जब हम लोग के प्रति सरकार का कुछ रुचि ही नहीं है। हम लोग के इतना नीचे, मतलब काम का दाम भी नहीं दे रहे हैं। 1000 रुपये घर बैठे महिलाएं पाएंगी वंदना में, हम काम करके 2000, और जो काम ना करे वो 5000। इसीलिए सब होंगे मोदी जी से सवाल। हम लोग 23 तारीख को दिल्ली निकलने का, पूरे छत्तीसगढ़ से, पूरे भारत से, मतलब हमारे रसोइया वहाँ जुट रहे हैं 23 तारीख को। और पूरे भारत में हमारे रसोइया 40 लाख हैं। अपने हक के लिए हम लोग दिल्ली मोदी सरकार के पास जा रहे हैं कि हमारा हक दो। हम जो 6 घंटा काम करते हैं, काम का दाम हमारा कम से कम मिलना चाहिए। और 1000 बढ़ा हुआ राशि 2014 को आज तक हमारा नहीं मिला। दूसरी चीज़ कि कोर्ट से भी हमारी डिग्री मिला 9000 कुछ रुपए का, वो भी नहीं मिला। समान काम का समान दाम देंगे, वो भी आज तक नहीं। हमारी मतलब रसोइयों बहनों का, आदिवासी महिलाएं पूरे छत्तीसगढ़ में आज काम कर रही हैं, गरीबी महसूस कर रहे हैं। उनका तनख्वाह भी टाइम पर नहीं मिलता है। 50000 1 लाख का टाइम पर मजदूरी मिलता है, उनका तनख्वाह मिलता है। हमारे रसोइयों बहनों को आज 7 महीना हो गया, 1500-2000 रुपये पाने वाले को आज तक अभी तक तनख्वाह नहीं मिला। ये बहुत दुखद घटना है। और इसीलिए हम लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार हमारी बात को मान ली, हमारी मांग को पूरा किया, तो जो हमारा सरकार सुनेगा, जो सरकार हमारी बात को मानेगी, हम उस सरकार के लिए तहे दिल से, हम जितने भारत के रसोइया हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और आगे की अगर नहीं हमारी अगर बात सुनी जाएगी तो आगे की रणनीति आंदोलन के लिए हम लोग कितने की संख्या में जाएंगे दिल्ली छत्तीसगढ़ से? यहाँ से कम हम लोग 10000 के लमसम में जाएंगे।